मैंने पेट्रोल भरा दिया है और अभी निकल रहा हूँ मैं, हो सकता है शायद उधमपुर पहुँचूँ या फिर पटनी टॉपी तक पहुँचाऊँ। चलो भैया, थैंक यू। कार्ड लोगे ना? चलो भैया, चढ़ते हैं गाड़ी पे। चलो भाई, हो गई राइड स्टार्ट। जम्मू रेलवे स्टेशन है इस तरफ। मैंने पेट्रोल भरा दिया है और अभी निकल रहा हूँ मैं, हो सकता है शायद उधमपुर पहुँचूँ या फिर पटनी टॉपी तक पहुँचाऊँ। ये अंकित भैया जा रहे हैं गाड़ी पे आगे। ये मुझे जम्मू स्टेशन पे मिल गए थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। मेरी गाड़ी थोड़ी डैमेज थी और मैं अपना GPS का फ़ोन यहाँ पे नहीं लगा पाऊँगा और हैंडल में भी कुछ इश्यू है। देखता हूँ आगे चल के कहीं पे मैकेनिक से ठीक करवा लूँगा। आज संडे है तो शायद यहाँ मैकेनिक ना मिले मेरे को। पार्सल ऑफिस में जाके एक पर्ची कटानी होती है और ख़ुद आपको अपनी गाड़ी को धक्का लगा कर बाहर लाना पड़ता है स्टेशन के, और वहाँ पर सिक्योरिटी को पर्ची देनी पड़ती है, फिर आप गाड़ी बाहर निकाल सकते हो, पेट्रोल डाल सकते हो। वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिला था मुझे, मैंने पूछा था किसी से पेट्रोल के लिए, पर पेट्रोल मुझे वहाँ मिला नहीं, तो बाहर से हम 2 बोतल लेकर आ गए और भर दिया। और बाहर ही पेट्रोल पंप है उसके, जस्ट जैसे ही आप बाहर निकलोगे रेलवे स्टेशन के, पेट्रोल पंप है वहाँ पर, तो आप वहाँ पेट्रोल भरा सकते हो। तो मैंने वहाँ फुल टैंक कर लिया है और निकल पड़े हम लोग। ये मिरर तोड़ दिया, ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने मिरर लगाया था, क्योंकि ये सब अटैचमेंट निकल जाने पड़ते थे वरना, तो इस सब चक्कर में मैंने ये मिरर रखा था, मिरर टूट चुका है। तो चलते हैं पटनी टॉप की तरफ। ये देखो श्रीनगर का बोर्ड दिखा रहा है, श्रीनगर बोर्ड। ये जम्मू तावी स्टेशन के बाहर का रोड।
ये महाकाली माता मंदिर है इस तरफ। हम चलते हैं आगे। अभी है हम ये चेनानी में। हाँ, और उधमपुर से लेके श्रीनगर का जो रोड है चेनानी टनल तक, इतना खराब और इतना ऑफ रोड है, लैंडस्लाइड हुई पड़ी है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं नया रोड बना रहे हैं, तो एकदम से हालत खराब हो जाती है। ये जो 20-25 किलोमीटर का रोड है ना, आपके 2 घंटे लगा देगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप आओ, आराम से आओ, बाइक आराम से राइड करो, कहीं कुछ गलती व मिस्टेक नहीं हो जाए। बहुत ट्रैफिक भी है। हाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, आराम से आओ। अभी मैं हूँ चेनानी विलेज के अंदर, होटल रूम ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं होटल रूम मिलेगा कि नहीं।